अब यहाँ खाने खाने बिना आदमी मर रहा है। पाँच छः हाथ आ गया है पानी में, दह गया आधा की बचा हुआ थोड़ा, पानी तक तो कोई दिया ही नहीं। 8 बजे से बैठे बैठे 11 बजे हम लोग इस पार, भी 12 नाव आया है तब हम लोग पहुँचे हैं। पहले भी हम लोग को दानापुर दिया था, ढह गया था, तो हमारे लोग माँ बाप चले गए, हम बच गए थे, तो हम बच्चा थे, हम कुछ कर नहीं पाए। पटना में गंगा उफनने लगी है, खतरे के निशान से लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर कल ही जलस्तर था, लेकिन आज जो है बता रहे हैं लोग कि जलस्तर और ऊपर उठ गया। कितना उठा जलस्तर आज? 5-6 हाथ आ गया है। 5-6 हाथ और बढ़ गया, मतलब वहाँ से 5-6 हाथ इधर आ गया, मतलब आधा फीट के आसपास बढ़ा होगा। 3 फीट बढ़ गया कल से आज। तो देख लीजिए जलस्तर कैसे बढ़ा, ये आपको हम एक बार कैमरे पर दिखा दें। सामने देखिए ये जो घर है, इन घरों में पानी घुस गया, उसके पीछे जो दिख रहा है वो उसका सिर्फ छत, मड़ई जिसको बोलते हैं, वो मड़ई दिख रहा है, सिर्फ छत ऊपर दिख रहा है। और इस तरफ में अगर प्यान होगा तो वो देखिए, वो जो दियारा पर इधर में जो घर है उसका भी सिर्फ मड़ई दिख रहा है, यानी ऊपर वाला जो छत है वो दिख रहा है। जिस मरीन ड्राइव के इस रास्ते पर चल करके गाड़ियां जाती थी, उस पर से देखिए अभी नाव चलने वाला पोजीशन है, इस पर से नाव लेकर के आप जा सकते थे। आपको बता दें कि जो लोग दियारा क्षेत्र में रहते थे उन लोगों ने धीरे धीरे इधर अब शरण ले रखा है, और यहाँ पर देख लीजिए ये इधर में जो टेंट लगा है इसमें दियारा क्षेत्र के लोग रह रहे हैं। अभी जहाँ खड़े हैं हम, इधर में सभ्यता द्वार है, और सभ्यता यहाँ से अगर आप चलेंगे तो दीघा तक इस कॉरिडोर पर किनारे में लोगों को आप देख सकते हैं, इस तरह से माल मवेशियों के साथ सब कुछ लेकर के लोग इधर शिफ्ट हो गए। मतलब जो सबसे बड़ी जो परेशानी आपको इधर अगर सामने आइएगा तो हम आपको दिखाएंगे, जो सबसे बड़ी परेशानी है वो मवेशियों को लेकर के है। मवेशियों को लेकर के जो लोग आए हैं तो किसी तरह से पानी में उसको तो लेकर के तो आ गए, लेकिन अब उसके खाने पीने की समस्या है कि उसको क्या खिलाया जाए। रात में एक बाबा उधर कह रहे थे कि जो किनारे में घास लगा है उसको भी हम नहीं खिला सकते, क्योंकि बड़ी मेहनत से उसको लगाया गया है, और वो जो है इसके मिट्टी को बरसात से बचाता है और सुंदरता भी है, उसके कारण जो है उसको खिला भी नहीं सकते, और चारे का बड़ा प्रॉब्लम है इधर में जो लोग आए हैं। कितना पानी है भैया उधर में, कितना पानी है? इतना भर है हम लोग के बथान में। बथान में मतलब एक हाथ भर? हाँ, एक हाथ भर है सर। तो उधर सब चीज़ आ गया उधर से कि? हाँ, उधर भी सर, कुछ है? नहीं, फंसा हुआ नहीं सर, हम लोग आ गए हैं सर, सब कुछ लेके आ गए। हाँ सर। तो देख लीजिए ऐसे ही इधर में इधर देख लीजिएगा तो इधर में भी देख लीजिए, गए और सब कुछ लेकर के लोग इधर जो है अपना लेकर के आ गए, साइकिल, खाने पीने का सामान। और ये जो अंडरपास है, अंडरपास के नीचे में पूरा यहाँ से वहाँ जो मवेशियों का जो है को बांध रखे लोग, और उसके वहाँ जो लोग बैठे थे अभी बता रहे थे कि चारे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो कितना पानी है सर उधर में, कब आए हैं आप लोग इधर? 4 दिन से हैं इधर में जी, 5 दिन से। और यहाँ देखिए पानी रोड पर से ला के पीते हैं, देख लीजिए। रोड पर से मतलब? रोड पर से पानी इधर उस तरफ से ला के पीते हैं, पीने वाला पानी? पानी पीने वाला, जानवर यहाँ से खाता है। चारा दाना के सब दुख है सारा, पहले तो घास फूस होता था तो जानवर के खिलाते थे, अब तो सर पैसा है नहीं, सब नट्ठा है, अब यहाँ खाने खाने बिना आदमी मर रहा है। तो सरकार के तरफ से कोई आया कि नहीं देखने के लिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। चारा वारा के लिए कोई आया? कोई नहीं सर, कुछ नहीं। देखो तिरपाल नहीं सर, तो कैसे कैसे गांव की से मांग के? देखिए ये तिरपाल पूरा लगा हुआ है, जैसे तैसे जो है, देखिए बाल बच्चा के लेके अपन है अपने फसल। हाँ, इसी में, इसी में गरीब आदमी कहाँ जाए सर ना। अब पहले भी हम लोग को दानापुर दिया राज में ढह गया था, तो हमारे लोग माँ बाप चले गए, हम बच गए थे, तो हम बच्चा थे, हम कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद में छोटा छोटा बच्चा हुआ, शादी ब्याह के छोटा बच्चा हुआ, तब तो शादी ब्याह करते पोसते मेरा समय हो गया, नहीं हम खरीद पाए और ना ही कहीं रोड पर बना पाए, तो दियारा में ही रहा है। दियारे में सर जिंदगी काट रहे हैं। तो ऐसे लोगों की समस्याओं को देखने और सुनने की ज़रूरत है, और समझ लीजिए जिनको जिनका बसेरा सिर्फ इसी गंगा के अंदर है, माँ गंगा ही सब कुछ है, उसका जीवन जो है रोड पर आ गया है, सड़क पर आ गया है। बता रहे कि पीने का पानी भी उस तरफ से ढो करके ला रहे हैं। आगे चलेंगे, अभी दीघा तक आपको लेकर के चलेंगे, उधर की तस्वीरें भी दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इतना कितना पानी होगा? इतना छाती भर दमर भर पानी जमीन है, मेरा झोपड़ी में तो लगता है कि 10 फीट पानी है। कुछ ले आए उधर से? कुछ रह भी गया? मेरा सर सामान रह गया, खाली जानवर लाए हैं, सर सामान छोड़ दिए वहीं, खराब हो जाएगा बरसात पानी में, दह गया आधा की बचा हुआ थोड़े। इधर आए हैं तो इधर मतलब अरेंजमेंट क्या लेकर के आए, कैसे रह रहे हैं आप? ऐसी जानवर बाहर रहता है, कोई मदद उदद मिला सरकार? कुछ नहीं, कुछ नहीं, पानी तक तो कोई दिया ही नहीं। क्या खाए? भात और सब्जी। कितना पानी है आप लोग के यहाँ, कब आए हैं इधर? हम लोग परसों आए हैं। कितना पानी है उधर में? डूबा पानी है।
बढ़ते जलस्तर के बीच ये नवयुगा का कंस्ट्रक्शन यार्ड है, देख लीजिए पूरा कंस्ट्रक्शन यार्ड डूब गया है, सुपर स्ट्रक्चर के मुहाने तक पानी है, देख सकते हैं आप। और वहीं जो लोग दियारा क्षेत्र में रह रहे हैं वो तो मैंने बताया उधर से कि हर जगह शरण ले रखे, इधर में भी देख लीजिए नीचे में गाय मवेशी के साथ जो है लोग इधर टेंट तंबू डाले हुए हैं। और पूरा कंस्ट्रक्शन यार्ड में जितनी मशीनरीज थी, खासकर मिक्सर मशीन तक देखते हैं, उठ करके इधर में आ गया और यहाँ सड़क के किनारे यहाँ से वहाँ खड़ा है। अभी देखिए कैसे लोग उधर में, अभी नौ से देखिए सामान उधर से लेकर के शिफ्ट वहाँ पहुँचे हैं लोग, और वहाँ से नौ से सामान उतारा जा रहा है। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन यार्ड से जब हम शाम के समय में इधर से जा रहे थे तो हमने तस्वीरें रिकॉर्ड किया था जेसीबी मशीन और मशीनरीज को कैसे शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से। तो धीरे धीरे जो है उधर से सारे लोग अब निकल करके मरीन ड्राइव के किनारे आकर के अपना शरण ले रखे हैं। तो वहीं अगर दीघा घाट में लोग बता रहे हैं कि अभी भी जो दियारा क्षेत्र है वहाँ से लोग दीघा घाट पहुँच रहे हैं। कब आए आप लोग इधर? आया तो भैया 20 दिन भैया। 20 दिन हो गया आपको? हाँ, 20 दिन से इधर में। इतना पानी 20 दिन पहले से था? नहीं, पानी आ गया तब डूब गया तब नहीं पटिया है भैया। कितना पानी है अभी उधर में? बहुत डूबा हुआ भैया। ये देखिए, वो देखिए, उनको देखिए छाती से ऊपर तक पानी। कहाँ जा रहे हैं वो? ये जा रहा है सामान ले जा रहा है, ढोरा है, झोरा लाने जा रहा है। हाँ, सामान लावे जा रहा है सब। तो इधर जो है टेंट वेंट अपना लगाए कि सरकार लगवाई है? नहीं, हम अपना लगाए, अभी दिया कहाँ सरकार। मरीन ड्राइव पर अगर आप चलेंगे अभी तो एक तरफ जो है पूरा जलस्तर दिखेगा, यहाँ से पूरा छू दिया एकदम, समझ लीजिए। और अभी पहली बार ऐसा है कि दोनों ही साइड में मरीन ड्राइव के पानी दिख रहा है आपको। यहाँ मतलब शहर में कैसे बहुत हम लोग के परेशानी है, 8 बजे से बैठे बैठे 11 बजे हम लोग इस पार, भी 12 नाव आया है तब हम लोग पहुँचे हैं। छोटा नाव एक भी नहीं गांव में जा रहा है, गांव में जा भी रहा है तो रोक नहीं रहा है, सीधा मानस और दुधिया उधर जा रहा है। सरकारी नाव मान दीजिए, कोई काम का नहीं है, हम लोग बहुत स्थिति खराब है। दियर के सामने देखिए गर्भवती महिला है, उधर से उसको शिफ्ट करके लाया जा रहा है इधर में। और जब जलस्तर बढ़ गया था ऐसे में जान बचाना सबसे बड़ी बात। कितना पानी है अंदर में? पानी तो अभी बहुत है, घर में घुसना थोड़ा सा बाकी रह गया, 2 फीट 3 फीट 2 फीट बाकी है। तो उधर से उधर ही है अभी कि शिफ्ट हो गए इधर में? शिफ्ट कहाँ है, उधर से आए हैं अभी। देखिए समस्याएं बड़ी है और इधर से लोग जो है धीरे धीरे इधर पलायन कर रहे हैं। बता रहे हैं कि जब जलस्तर बढ़ गया तो कोई छोटा नाव उधर में गाँव से लोगों को लेकर के इधर नहीं आता, बड़ा नाव किसी तरह से अरेंजमेंट करके वो लोग उधर से आ रहे हैं। हमने कल दिखाया था कंगन घाट और भद्र घाट की तस्वीरें भी, हर जगह घाटों पर पानी चढ़ गया और जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आपके अगर कोई जानने वाले हैं उधर रहते तो उनको कहिए कि वो शिफ्ट हो जाए, या फिर जो गंगा नहाने आ रहे हैं उसको सावधानी पूर्वक आए और नहाए। बढ़ता हुआ जलस्तर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा या घटेगा उसकी तस्वीरों के साथ हम फिर जुड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए Way4U को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, हम चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।